हैप्पी दिवाली टू यू। मेरा नाम है सपना और ये है हमारा शो मूलन एक्स तड़का मार के, और मेरे साथ है शेफ मुत्तु फ्रॉम लोटस हॉस्पिटैलिटी। हेलो एंड वेलकम टू द शो एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू। आप सबको भी हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ऑल राइट, तो आज दिवाली का दिन है, डेफिनेटली शाम को मेहमान घर पे आने वाले हैं, तो क्या हम उनको खिलाने वाले हैं? आज बन रहे हैं लौकी कोफ्ता करी। लौकी कोफ्ता करी, लौकी के कोफ्ते मुझे बहुत पसंद है। लौकी कोफ्ता करी बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी 200 ग्राम, जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिलीज चॉप्ड 2 टेबलस्पून, बेसन फ्लावर 2 टेबलस्पून, राइस फ्लावर 1 टेबलस्पून, रिफाइंड फ्लावर 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, वेजिटेबल ऑयल फॉर डीप फ्राइंग। ये लौकी है, पील्ड लौकी। ओके ओके, दाना निकाल दिया। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टू ग्रेट दिस लौकी विद मास्टर शेफ। मूलन एक्स मास्टर शेफ, करेक्ट। इसके बिना हमारा किचन अधूरा है, मैं हमेशा ये कहती हूँ, राइट? ठीक है। इसको इसमें दो फंक्शन है, अभी ग्रेट भी कर सकता है, मिक्स भी कर सकता है। ओके, ठीक है। पहले हम मिक्स करने वाला आइटम नीचे डालेगा, इधर थोड़ा सा हल्दी, ब्लैक पेपर पाउडर, ओके, राइस फ्लावर, बेसन, ओके, चॉप्ड ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। अभी ग्रेट भी करेगा। ये हमारे मास्टर शेफ का कमाल यहाँ पे दिखने वाला है। इसको हम ब्लेंड करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं, और नीचे जो मिक्स हो रहा है, राइट, एंड ऊपर से लौकी हमने डाली है। ऑन टॉप वी आर डूइंग द ग्रेटिंग एंड डाउन दैट ब्लेंडिंग इज मिक्सिंग। Now the grated lauki with masala blend together, mix together. Blend okay? together, mix together. Together. Now we have to make kofta. हम कोफ्ते बनाने वाले हैं. Correct. तो आपने binding के लिए इसमें क्या use किया? Besan flour. Besan flour. Rice flour. Okay. और थोड़ा मैदा भी use कर रहा हूँ, थोड़ा सा. इसमें क्या? थोड़े अच्छे से इसके जो कोफ्ते हैं बहुत अच्छे बनेंगे. Correct. Bind अच्छी तरह. Bind अच्छी तरह हो जाएगा. अभी तक सॉल्ट नहीं ऐड किया, सो वील ऐड सॉल्ट। मसाला रेडी हो गया अभी। ओके, अभी तो एक कढ़ाई में तेल डाल के गरम करके फ्राई करना पड़ेगा, ठीक है। विल स्टार्ट फ्राइंग। तो कोफ्ते का मिक्सचर बनाने के बाद हमने कढ़ाई में तेल लिया, उसे गरम किया, और अब इसमें हमने डीप फ्राई करने के लिए उन कोफ्तों को अंदर डाला है। तो ये भजिए टाइप बन गए कुछ, ये होममेड एक्चुअली। अगर ज्यादा ज्यादा पाउडर डालेगा ना बाइंडिंग का, तो शेप आ जाएगा। ओके, सो नाउ द कोफ्ता इज रेडी। वी हैव टू कुक एट लीस्ट फॉर अराउंड 10-15 सेकंड्स, टिल इट रीचेस द गोल्डन ब्राउन कलर। ऑलराइट, ओके, 15 से 20 सेकंड तक आपको इसको थोड़ा सा इसको फ्राई करते रहना, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। तो कोफ्ते हमारे हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन कलर के, आई थिंक अब निकालने की बारी है। या, गोल्डन ब्राउन कलर, यस। चूल्हा बंद करूं। तो ये अंदर तक पक चुके हैं, राइट? पक्का। यू हैव टू इंश्योर कि आपके कोफ्ते अंदर कच्चे ना रह जाएं। इनको पकाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना वो खाते समय जो टेस्ट में आएगा वो तो अच्छा नहीं लगेगा। इसे हम तेल से निकाल के बाहर रख रहे हैं। चलो, हमारे कोफ्ते तो तैयार हो गए हैं यहाँ पर। अब बची है कोफ्ते की ग्रेवी, इसकी करी बनाने की बारी अब आने वाली है। नाउ लौकी कोफ्ता रेडी है, राइट? ओके, नाउ अभी करी बनाने का। करी बनाने के लिए पहले चूल्हा ऑन करके कढ़ाई रखने का, बाद में अभी बटर। ओके, तेल नहीं, हम तेल नहीं, बटर यूज करने का। ओके, तेल की जगह हमने बटर यूज किया यहाँ पर। एज यूजुअल जो छौंका हम लगाते हैं, जीरा, सबसे पहले जीरा हमने डाला। लौकी का फ्लेवर विल गो विद बटर, यू नो। ओके, बटर के साथ ट्राई कीजिएगा। अगर आपने आज तक नहीं किया और सिर्फ तेल में कभी कोफ्ते बनाए हैं, तो फॉर अ चेंज बटर में आप ट्राई कर सकते हैं। चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड जिंजर। वी हैव टू सॉटे दिस मिक्सचर फॉर एटलीस्ट 20-30 सेकंड्स। ओके, सो 20-30 सेकंड तक आपको थोड़ा सा सॉटे करना है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हमने इसमें डाला, और रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर,
So already we have put coriander powder okay. and red chili powder. To remove the raw flavor, we have to cook at least 50 to 60 seconds. 1 minute you have to cook in a slow flame. 1 minute तक इसको slow flame में आपको cook करना है इस पूरे तड़के को जो butter में हमने डाला है, जीरा है, धनिया powder है, लाल मिर्च है, chopped अदरक है. इसको हम saute कर रहे हैं 1 minute तक करेंगे. Then we'll add cashew nut paste. काजू का पेस्ट इसमें पड़ेगा. ग्रेवीज में ज्यादातर यूज होता है काजू का पेस्ट एक थिक ग्रेवी बनाने के लिए. राइट, तो अगर थिक ग्रेवी में आप इंटरेस्टेड हैं कभी भी तो काजू का पेस्ट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया. ओके, अभी रेडी हो गया. ओके okay. थोड़ा पानी ऐड करने का. पानी इसमें ऐड होगा तो मैं डालूं पानी? या आप बताना मुझे कितना डालना है. श्योर. और बस पानी ऐड करने के बाद थोड़ा हाई फ्लेम रखेगा. ओके तो कैशू नट और मसाला सब कुछ मेल्ट हो जाएगा नहीं? ओके अच्छी तरह कुक होने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको दोबारा से हाई फ्लेम में दोबारा से थोड़ा सा कुक करेंगे. ओके नमक डालने का. ठीक हो रहा है देख. नाउ खट्टा टेस्ट के लिए कर्ड ऐड करना पड़ेगा. ओके थोड़ा सा कर्ड. इसको वापस थोड़ा सा सॉटे करेंगे. ग्रेवी इज रेडी. ओके सी द थिकनेस. यस ये काजू के पेस्ट की वजह से ये जो कंसिस्टेंसी बनी है उसकी वजह से बनी है. इस पे हमने डाला कोरिएंडर, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड हरा धनिया. ग्रेवी इज रेडी. ओके वी कैन नाउ डिश आउट दिस. अभी कोफ्ता अरेंज करके करेक्ट राइट देन Just pour the gravy on top of the. बहुत yummy लग रहा है ये देखने से ही. I'm sure इसे खाने में बहुत मजा आने वाला है. इसमें garnish तो थोड़ा chopped green chilli, okay. then chopped धनिया. लौकी कोफ्ता करी is ready. और तैयार है हमारे लौकी कोफ्ता करी. बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है. इसको आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, चाहे रोटी हो या राइस हो. Just go and have a quick recap और मैं मिलूंगी दोबारा से यहीं पर. लौकी कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले Moulinex मास्टर शेफ में टर्मरिक, ब्लैक पेपर, राइस फ्लावर, बेसन, चॉप ग्रीन चिलीज और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर लौकी को उसके अंदर ग्रेट कर लें. मिक्सिंग और ग्रेटिंग एक साथ हो जाएंगे. अब मैदा, नमक और बेसन डालकर इस मिक्सचर को मिला लें. फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करके कोफ्ते के मिक्सचर को उसमें डालें. गोल्डन ब्राउन होने पर इसे तेल से निकाल लें. दूसरी कढ़ाई को गरम करें और उसमें अब डालें बटर, जीरा और चॉप जिंजर. अब इसे 20 से 30 सेकंड तक सॉटे करें. अब लाल मिर्च और कोरिएंडर पाउडर डालकर स्लो फ्लेम में 1 मिनट तक पकाएं. अब काजू का पेस्ट और पानी डालकर दोबारा हाई फ्लेम में पकाएं. फिर इसमें नमक और दही डालकर कम आंच में पकाएं. ग्रेवी तैयार होने पर इसमें चॉप धनिया ऐड करें. एक प्लेट में कोफ्तों को अरेंज करें और उस पर ग्रेवी डाल दें. ग्रीन चिली और धनिया डालकर सर्व करें. आपका लौकी कोफ्ता करी तैयार है. और हर बार की तरह वापस आ जाते हैं अपने सवाल पर. ये है Moulinex सवाल जहाँ पर हम आपको देते हैं मौका जीतने का Moulinex मास्टर शेफ. और आज का Moulinex सवाल है कि इस सेट पर हमने कौन से रंग का Moulinex मास्टर शेफ इस्तेमाल किया है. आपके ऑप्शंस हैं ए ब्लू, बी ब्लैक, सी रेड. अपना जवाब देने के लिए टाइप इन करें तड़का स्पेस अपना ऑप्शन ए बी और सी और इसको भेज दें 6070 पर.